पहले उनको कोल लखपत जेल में मुंतकिल किया जाएगा, उसके बाद इस्लामाबाद ले जाया जाएगा। ताहम एक केस जो कन्फर्म है कि निसार आज जो कुछ दफातर थे लाहौर के अंदर जो सरगर्म थे अभी भी वहां पर छापा भी मारा गया और कुछ जो लोग थे पीटीआई के उनको गिरफ्तार भी किया गया। तो आज उतार दिन छूटते हाल है। जमान पार की बात करें तो जमान पार को चारों तरफ से पुलिस की भारी नफरी में अपने घेरे में रखा हुआ है और यहां पर कोई कारकुन नहीं पहुंचे। जैसे आपको पहले भी मालूम है लीना के 9 मई के वाकयात के बाद जो देगन साहब की क्यादत थे और जो उनके सरगर्म कारकुन थे वो ज्यादातर या तो शहर छोड़ चुके थे या बिल्कुल गुमनामी की जिंदगी में चले गए थे। और आज चेयरमैन पीडीए की गिरफ्तारी के बाद जमान पार के बाहर लाहौर के अंदर या कहीं भी कोई मुजाहमत देखने में नहीं आई।